एक बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ए, ए तुम क्या बोल रहे हो? माफी हुजूर, माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? मेरे से बड़ा? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ, हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। अरे ये तो सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर, आप उसके सामने कितने छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। जो हुआ कि नहीं, मैं उस गोज इतना बड़ा? तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अंगूर खट्टे हैं। अब इसे सबक सिखाना होगा। इस लोमड़ी को अंगूर से सबक सिखाते हैं।
पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। काश मुझे लजीज खाना मिल जाए, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। चारा क्यों है दूर जब सामने है मीठे अंगूर। अंगूर तो खट्टे होंगे, मुझे नहीं चाहिए। इनके पीछे न लगना ही अच्छा है। जिसे हम पा नहीं सकते उसे हम बुरा नाम रखते हैं। मैंने इतनी बार कोशिश कर ली है और एक बार सही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। शेर और चूहा। जंगल जहाँ भरे पड़े हैं पहाड़, पेड़, पंछी और प्राणी। आओ दोस्तों, आज सुनते हैं जंगल के राजा शेर और नन्हे चूहे की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इस बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।
स्ट्रॉबेरी नन्हा मुन्ना रही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ, सबसे लंबी मेरी दुम मेरी दुम मेरी दुम मेरी दुम मेरी दुम। ओह कौन है भाई, कौन है जो मेरे रास्ते में आने की जरूरत कर रहा है? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। मगर ये याद रखना, मैं हूँ कराटे मास्टर चूहा चिंग। और मैं हूँ जंगल किंग। नमस्ते महाराज। तो क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं महाराज। सबसे लंबी किसकी दुम? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था महाराज। सबसे लंबी तो आपकी ही पूछ है, मेरी देखो कितनी छोटी है। जंगल के राजा से गुस्ताखी, अब तुम्हारा खेल खत्म। गुस्ताखी माफ कर दीजिए महाराज, मैं ये एक दिन आपके जरूर काम आऊंगा। तुम कितने छोटे हो, तुम मेरे क्या काम आओगे? महाराज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, अब रोना बंद करो। चलो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ये याद रखना, पूछ तो सबसे लंबी और ताकतवर मेरी ही है। जाओ। शुक्रिया महाराज, मैं आपका ये एहसान एक दिन जरूर चुकाऊंगा। कुछ दिन बाद शेर रोज की तरह शिकार करने निकलता है। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते गड्ढे में गिर जाता है। अरे ये तो महाराज की आवाज है, मगर महाराज कहाँ है? वो रहे। अरे महाराज कैसे हो आप, और इस जाल में लटक कर क्या कर रहे हो? ओलंपिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मजाक करते हो महाराज, मैं कुछ मदद करूं? तुम क्या मदद कर सकते हो मेरी? चूहा हूँ मैं काला काला, तोड़ सकता हूँ हरीक जाला, दांतों को मेरे धार ऐसे काटे रस्सी तलवार जैसे। क्या तुम ये जाल तोड़ सकते हो? शिकारी ने मुझे जाल में फंसा दिया है। अब देखो मेरा कमाल, आइयो सुको सुको। महाराज पकड़े रहना, अब जाल टूटने वाला है। महाराज ओहो, पूछ तो आपकी सबसे बड़ी है, मगर कुछ काम ना आई। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त, आज मैंने सीखा किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना हुनर होता है। चलो दोस्त जंगल की सैर करते हैं। धूप है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ, सबसे लंबी तेरी दुम मेरी दुम मेरी।
मेरी रुम मेरी रुम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझे। हर किसी के पास अपना एक हुनर होता है। शेर की खाल में गधा। जंगल में सारे जानवर रहते हैं। हर एक के पास अपना जीवन जीने की एक कला है। मगर क्या होगा जब एक गधा शेर की जिंदगी जीना चाहेगा? चलो देखते हैं, गधा शेर की जिंदगी जी पाएगा या हार जाएगा। होशियार, पूरे जंगल के चुनाव में जिन्हें वोट मिले हैं आधे, वही पधार रहे हैं जंगल के राजा गधे। आइए महाराज, आपके सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। अरे ये सब कहाँ चले गए? सब यही है महाराज, बस आप उल्टे बैठे हो। तो मुझे मत सिखाओ। वाह, क्या बढ़िया सपना था। गधा मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा, जंगल का मैं राजा बनूं ख्वाब मेरा ये सदा। गधा मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा, जंगल का मैं राजा बनूं ख्वाब मेरा है सदा। ए बंदर, फल फेंक कर क्यों मारा? ए गधे, मैंने मारा नहीं, फल पेड़ से गिरा। क्या तुम ये फल मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं, मैं दूसरे का झूठा नहीं खाता। अच्छे फल फेंको। हाँ, मैं फल फेंकता हूँ, मगर तुम्हें वो हवा में ही पकड़ने होंगे, नहीं तो वो गिरकर फूट जाएंगे। क्या तुम हवा में फल पकड़ सकते हो? क्यों नहीं। देखा मेरा कमाल? बहुत बढ़िया, अब ये पकड़ के दिखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, क्यों हालत कर दी है मेरी? अब तुम गए काम से, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। तू गधा तो गधा ही रहेगा। चलो स्विमिंग करते हैं। शेर, एक साथ तीन तीन शेर। तीन नहीं, एक ही है। तू गोल गोल घूम रहा है गधे, और भाग क्यों रहा है? वो शेर नहीं, सिर्फ उसकी खाल है। शेर की खाल? <laughs>
ये खाल अगर मैं पहन लूंगा तो जंगल का राजा बन जाऊंगा। फिर सब जानवर मुझसे डरने लगेंगे। पर मुझे कोई देख तो नहीं रहा ना। क्या करें, लगता है बंदर ने मुझे पहचान लिया। अब गए काम से। शेर बचाओ, भागो। रुको, चुपचाप चल वरना खोल दूंगा तेरी पोल। सुनो सुनो सुनो, जंगल में अगर रहना होगा तो हमारा सुनना होगा। आज से तुम जो कुछ भी खाओगे उसमें से आधा हमारे लिए लाओगे। क्यों, बराबर बोला ना महाराज। शेर की खाल का सहारा लेकर गधा और बंदर सबको डराने लगे, उनका खाना छीनकर खाने लगे। अरे ये सब खाकर मैं उब चुका हूँ, मुझे तो आम खाने हैं। ये मछली तुम खाओ और महाराज के लिए आम लेके आओ। शेर कब से आम खाने लगा? क्या बोले, कलयुग है भाई। बंदर बना सिकंदर और शेर खाए आम, मिलकर दोनों जंगल का कर दिया चक्का जाम। ओ चक्का जाम, ओ चक्का जाम। महाराज आप तो सोए थे ना। महाराज अभी तो तुम ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो गए काम से। मैं तो सिर्फ भाग सकता हूँ। ठीक है, अभी तो मुझे ही कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। ये इलाका हमारे महाराज का है। शेर के दहाड़ने से गधे ने पहनी खाल उड़ गई और सभी जानवरों के सामने गधे और बंदर की पोल खुल गई। अरे भागो, जल्दी भागो। जंगल के सभी जानवरों ने गधे और बंदर को जंगल के बाहर खदेड़ दिया। शेर की खाल कोई भी पहनना चाहेगा, पर वो हुनर कहाँ से आएगा? झूठ की उम्र कम होती है, झूठे पर हमेशा मुसीबत आती है। दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।